नमस्कार। अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट, दिल्ली में हाई लेवल बैठक के बाद राजस्थान लौटे प्रभारी रंधावा का गहलोत पायलट विवाद पर आया बड़ा बयान। लाइक कीजिएगा वीडियो को। राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दो दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। सोमवार शाम दिल्ली में राजस्थान के मुद्दे पर हाई लेवल बैठक भी हुई। इसके बाद रंधावा आज टोंक में थे। यहां पर मीडिया से सवाल जवाब देते हुए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कोई विवाद नहीं, ये उन्होंने जवाब दिया। ये विवाद सिर्फ मीडिया को नजर आता है, ये भी रंधावा ने कहा। कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर नेता सब एकजुट हैं। संगठन नियुक्तियां हो रही हैं, जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी। आपको बता देते हैं, सोमवार शाम दिल्ली में राजस्थान के मुद्दे पर अहम बैठक हुई। शाम 5:30 बजे बैठक शुरू हुई तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में थे। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि गहलोत भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन अहम वक्त पर उनका दौरा रद्द कर दिया गया और अब इन्होंने बयान दिया है कि राजस्थान में जो खींचातान बताई जाती है गहलोत और पायलट के बीच, ऐसा कुछ नहीं है, सभी संगठन में है, ये इन्होंने बयान दिया है। फिलहाल राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और हो सकती है किसकी जीत। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी राय, शेयर करें।